फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चे बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं और बहुत बार मदर्स के दिल में क्वेश्चन आता है, ये बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हैं, ये बिना वजह क्यों रो रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव गॉट सो मेनी मदर्स एंड स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि श्रेया, मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ है, मेरे बच्चे का नींद ठीक से हो चुका है, हम लोग बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, हमारे घर में लोग भी हैं, फिर भी हमारा बच्चा एकदम हाई पिच चिल्लाता है। ऐसे भी नहीं कि बच्चे नॉर्मली के लिए ऐसे भी नहीं, एकदम हाई पिच चिल्लाता है, जैसे कि हम लोगों ने उसको पकड़ पकड़ के मारा हुआ है, या जैसे भी बच्चा बहुत टेरिबल पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंटिफिकली प्रूवन रूट कॉजेस जिसके लिए एक्चुअली बच्चा चिल्ला रहा है या रोता है। सो रूट कॉजेस बेसिकली मतलब क्या होता है कि यूजुअली इन पांच चीज़ों की वजह से बच्चा चिल्लाता है या रोता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा बिना वजह चिल्ला रहा है या रो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है इज अटेंशन सीकिंग। बच्चे को अगर उस समय हम लोग का अटेंशन चाहिए, सी एक चीज़ बच्चे को पक्का पता है कि अगर मैं इतने ज़ोर से चिल्लाता हूँ या रोता हूँ तो ये लोग भाग के मेरे पास आता है। बिकॉज मेनी अ टाइम्स हम लोग को एज अ पेरेंट लगता है कि शायद बच्चा दर्द में है, या बच्चे को कोई ज़रूरत है, या बच्चे को भूख लगी है, बच्चे ने सुसु कर दिया, बच्चे ने पॉटी कर दिया, इसीलिए शायद से बच्चा रो रहा है, तो हम लोग बच्चे के पास भाग के जाते हैं। तो जब भी बच्चे को अटेंशन सीकिंग होना या अटेंशन चाहिए हम लोग का, तभी बच्चे रोते हैं अलग अलग आवाज़ निकाल के, या बच्चे अलग अलग स्टाइल में चिल्लाते हैं। सो आप लोगों को फर्स्ट वजह पता चल गया, अटेंशन सीकिंग। अभी उसके लिए सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बहुत सिंपल है, बच्चे को बहुत सारा पॉजिटिव अटेंशन दो ताकि बच्चे को निगेटिव अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े। पॉजिटिव अटेंशन मतलब क्या? बच्चे के साथ आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बच्चे को लेके बाहर जा सकते हो, आप बच्चा जब भी हैप्पी है तभी आप बच्चे को ए हाय बच्चा आप तो बहुत खुश लग रहे हो, चलिए मम्मा आपके साथ खेलती है। इट शुड नॉट बी कि बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं खुश हो तो ये अपना काम करते रहती है, और मैं जब भी चिल्लाता हूँ, जब मैं स्क्रीम करता हूँ, रोता हूँ, तभी मेरे पेरेंट्स भाग के मेरे पास आते हैं। तो ये समवेयर बिलीव सिस्टम नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट दोज ऑफ यू पेरेंट्स जिनको एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हो, आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। द सेशन इज़ अबाउट प्ले डेट्स विथ योर पेरेंट्स, जिसमें हम लोग आपके 3 महीने से लेके 30 मंथ्स के बच्चे के साथ करने वाली आपको 150+ एक्टिविटीज सिखाते, इतने छोटे बच्चों के साथ करने के लिए, जो उनके ब्रेन को बिजी रखता है और उनके डेवलपमेंट की स्पीड का बटन शूट करता है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से चिल्लाना और रोना चल रहा है इज एक्सप्लोरिंग द वॉइस। बच्चों को अपना खुद का आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है, और बच्चे जब भी खुद का आवाज़ अलग अलग टोन अलग अलग पिच में सुनते आ आ आ, ये बच्चे के लिए बहुत नया है। ऑब्वियसली मेरा आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बट बच्चे जब भी चिल्लाते हैं अलग अलग पिच पे, तो बच्चों को वो खुद का ही आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज वॉइस एक्सप्लोरेशन। इसके लिए सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बहुत सिंपल है, किसी भी आवाज़ को, इनफैक्ट खुद की भी आवाज़ को बच्चा स्ट्रेस समझता है जब भी पेरेंट्स उसको स्ट्रेसफुली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सोचो मेरे घर में कुकर का सीटी बजा, बापरे सीटी बज गया, बंद करो, मेरे बच्चे का नींद ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे का तो नींद बहुत ही कच्चा है। तो आप जैसे ही डिस्टर्ब हो गए, वैसे बच्चे को पता चलता, अरे बापरे दिस लुक्स लाइक अ हार्मफुल साउंड, तो ये डिस्टर्ब चीज़ है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम कुकर की सीटी बजेगी तभी मुझे रोना है। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे का पेट भरा हुआ है और एज सच कोई वजह नहीं है चिल्लाने का, और आपका बच्चा एक्सप्लोरेशन के लिए चिल्ला रहा है, तो फिर आपको उस चीज़ को लेके स्ट्रेस क्रिएट कर, बापरे क्यों चिल्ला, चिल्लाना बंद कर, कोई पेन है क्या, पेट में दर्द है क्या, क्या हो गया पता नहीं, डोंट बी स्ट्रेस, जस्ट क्या हो गया, क्या बता रहे हो आप, आपका आवाज़ अच्छा लगता है, मम्मा का भी सुनोगे, आ ओ ई ऊ ए ऊ, आप अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वोवल्स आप लोग फोनिक्स बच्चे के साथ कर सकते हो। सो फोनिक्स इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ अ स्क्रीमिंग, ओ ई आ आई, सो इट्स जस्ट डायरेक्ट
तो आप उस चीज को अगर स्लोली डायरेक्ट कर दोगे, जैसे हम लोगों ने कल बहुत प्लेडेट की एक बैच में बहुत ब्यूटीफुल पोएम किया था, चिक चिकी चिकी चिक चिकी चिकी ची कोरिता, उसमें अलग अलग टाइप के साउंड्स है, वाओ 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 वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी बिग पोएम, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कोर्स, बट अभी के लिए इवन दिस इज लाइक क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, जिससे बच्चों को बहुत मजा आता है. तो उनका जो एक्सप्लोरेशन चल रहा है खुद के आवाज का, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दे दो तो बच्चे के लिए चीजें बहुत इजी हो जाती है. थर्ड कोर रीजन इज कम्युनिकेशन. बच्चा बात तो कर नहीं पाता है, बच्चे के पास वोकैबुलरी तो नहीं है, तो बच्चा बहुत बार आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. माइट बी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, माइट बी सुसू होने वाला है, माइट बी पॉटी हो चुकी है, माइट बी डाइपर अनकंफर्टेबल है, माइट बी बच्चे को बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओ, या माइट बी बच्चे को सिर्फ चाहिए कि आप लो और मुझे पास में ले लो, माइट बी बच्चे को भूख लगा है. तो बच्चा चिल्लाना और रोना इन दोनों को लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करता है. अगर आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ कहते हैं बच्चे स्पेसिफिक नीड के लिए स्पेसिफिक वे में रोते हैं या स्पेसिफिक स्टाइल में चिल्लाते हैं. दो चार दिन ऑब्जर्व कर लो, आपको मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाएगा कि हाँ ये ना मतलब बच्चा बोर हो रहा है, ये ना मतलब बच्चा सोने को आया, ये ना मतलब बच्चे भूख लगा है. तो काफ़ी हद तक आप लोग बच्चे का ये जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ. नेक्स्ट कोर रीज़न इज एंगर और इमोशनल एक्सप्रेशन. सो बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, सो बच्चा अगर किसी अनवांटेड सिचुएशन में है, जैसे कि फुल स्लीव्स के आपने कपड़े पहना दिए, बच्चे को वो नहीं चाहिए, आपने बच्चे को ज़बरदस्ती रैप कर दिया, बच्चे को नहीं चाहिए, बच्चे को आपने ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करी हो, लाइक आई हैड वन ऑफ द मदर जिसने मुझे बोला मेरा बच्चा रात को 11 बजे जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है वो सुबह 4 बजे तक चिल्लाता है. बोले ओके आप क्या करते हो उस समय? बस मैं दूध पिलाती हूँ सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, दूध पिलाती हूँ सुलाने की कोशिश कर रही हूँ. 99% तभी बच्चे को सोना ही नहीं है, इसीलिए बच्चा इरीटेटेड होके गुस्सा होके बेसिकली रो रहा है. सो रीज़न कैन बी बेबीज इरीटेशन, एंगर या बच्चे का इमोशनल आउटबर्स्ट कि बच्चे को कोई स्पेसिफिक चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए बच्चा चिल्ला रहा है और रो रहा है. और आखिरी वजह जिसके लिए बच्चा रो या चिल्ला सकता है, एज सिंपल एज जस्ट वेंटिंग आउट देयर एनर्जी एंड यूजिंग इट लाइक अ प्ले टाइम. आपको पता है जब आप बहुत जोर जोर से चिल्लाओगे, बहुत जोर जोर से रोओगे, हाउ डू यू फील एट देन? टायर्ड. बच्चे के पास इतना ज़्यादा एनर्जी होता है जो निकालेंगे कहाँ पे, ये हमेशा का एक क्वेश्चन बच्चों को ही होता है. तो बच्चे जब ये स्क्रीम करते हैं, रोते हैं, तो वो अपना एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, एंड इट बिकम्स लाइक अ प्ले टाइम फॉर योर चाइल्ड. अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग के दिमाग में आएगी कि सूदिंग इफेक्ट के लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं. कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो वो सबके सोल्यूशंस जानते हैं. पहला चीज़, ट्राई टू कम्फर्ट योर चाइल्ड. इंश्योर करो कि कहीं आपका बच्चा इनसिक्योरिटी की वजह से तो नहीं रो रहा है. तो बच्चे को एटलीस्ट दिन में 1 से 2 बार मस्त स्किन टू स्किन टच दो. स्किन टू स्किन टच बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर दोनों का भी स्किन टू स्किन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, इफ़ यू फील योर बेबी फील कंफर्टेबल एंड कोजी विथ रैपिंग, तो आप जब भी पॉसिबल हो बच्चे को रैप करके सुलाओ, तो बच्चे को काफ़ी कोजी और कंफर्टेबल फील होता है. थर्ड थिंग, ऑब्जर्व करो क्या बच्चे को कहीं पर एक्चुअल में दर्द तो नहीं हो रहा है. जैसे आप टमी टाइम देना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टमी टाइम कैसे देते हैं उसका वीडियो में यहाँ पर लिंक करी हूँ, तो आप लोग बच्चों को टमी टाइम दे सकते हो, जो बच्चे को गैसेस रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. बच्चों का गैसेस रिलीव करने के लिए एक्यूप्रेशर मसाज है, उसका भी वीडियो हम लोग यहाँ पर लिंक कर रहे हैं. उसके बाद अगर बच्चे को चेस्ट कंजेशन है या ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है और कोई मेडिकल इलनेस है या बच्चा सिक है, तो भी बच्चा रोता और चिल्लाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा बीमार है तो उसको टाइम से दवाइयाँ दो. अगर सर्दी खांसी चेस्ट कंजेशन है तो उसके लिए बहुत सारे होम रेमेडीज़ है. माय दुजा का हर्बल पोटली इज़ लाइक मैजिक. ये बच्चों के सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को रिलीफ फील करवाने के लिए, जो आप लोग www.myduja.com से खरीद सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग, बच्चे का स्लीप रूटीन.
बच्चे को अगर आपको सूदिंग रखना है तो बच्चे का स्लीप रूटीन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा यूजुअली 24 आवर में, दिन में या रात में, एक टाइम सोता है और दूसरे टाइम छोटे छोटे नैप्स लेता है। तो धीरे धीरे बच्चे का बेड टाइम रूटीन सेट करो। बेड टाइम रूटीन सेट करने का वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, तो आप लोग बेड टाइम रूटीन बच्चे का एक सेट कर सकते हो, जिससे आप लोग भी पीसफुल और बच्चा भी पीसफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को बाहर लेके जाओ, चेंज द एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा है। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं आप लोग दिन में एक बार बच्चे को सन बाथ, मतलब धूप दिखाने के लिए घर के बाहर लेके जा सकते हो। आप बच्चे को प्रैम में छोटा सा चक्कर मारने के लिए लेके जा सकते हो। आप बच्चे को नेचर में जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो दिखा सकते हो। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा सूद और काम रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, बच्चे का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप लोग उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना बच्चे पीसफुल और काम रहता है। उसको यूज़ करने के लिए प्ले डेट्स एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। आप वो प्रोग्राम आपके बच्चे के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसके लिंक आपको www.mybija पर मिल जाएंगे। हे ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, डू यू विश टू मेक योर जर्नी लिटिल मोर पीसफुल, लिटिल मोर कॉन्फिडेंट? एंड माई विजा वॉन्ट्स टू वॉक विथ यू। हमें आपके साथ चलने दीजिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर करना, और कमेंट में लिख के हमको ज़रूर बताना क्या आपका मदरहुड का जर्नी थोड़ा और पीसफुल हुआ। हैव अ ग्रेट टाइम, लेट्स कीप वॉकिंग टुगेदर। टेक केयर एंड बाय।